हाय गाइस, दिस मार्टिन शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइकिलिंग ऑन नथिंग। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे को तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड प्लीज हिट द बेल आइकन। और आज मैं कहीं राइड नहीं करूंगा, आज मैं बीटवेन माई बाइक का प्लीज एक बार आप इसको दिखाइए, इसका रिव्यू करने वाला हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ्रेम की। तो गाइस, इसका पूरा फ्रेम स्टील का है और इसका जो फोक है ये रिजिड फोक है, सस्पेंशन फोक नहीं है। अगर इसमें सस्पेंशन होता तो ये सस्पेंशन फोक होता। और पूरा स्टील का होने के बावजूद भी इसका साइकिल का पूरा वेट 12 से 13 किलो होगा। और इसकी जो रिम्स है ये पूरा एलुमिनियम के है। और इसके बीटवेन जो है ये पूरी इसकी फ्रेम की लाइफ टाइम वारंटी भी देता है। और अब इसके ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं, तो इसके जो ब्रेक्स है ये वायर्ड ब्रेक्स है, नॉर्मल वायर्ड ब्रेक्स है। और उसके बाद एक बार नज़र मारिए एक बार इस पर। और वायर्ड ब्रेक्स होने के बावजूद भी इसकी ग्रिप टायर के टुवर्ड्स बहुत अच्छी है। और अब बात करते हैं हम इसके गियर सिस्टम की। तो ये गाइस सिंगल स्पीड बाइसाइकिल है, बहुत एंट्री लेवल बाइसाइकिल है। अगर किसी का रन रोज़ का 12-13 किलोमीटर रन है साइकिल का, तो उसके लिए बेस्ट बाइसाइकिल है। इसका गियर वर्जन भी आता है पर वो थोड़ा इससे 2-3 हज़ार महंगा है। और उसका नाम है बीटवेन माई बाइक 7 स्पीड। पहले तो इसका प्राइस जब ये आई थी, लॉन्च हुई थी, तब ये अराउंड 6,000 की थी। अब ये 1.5 साल बाद अभी अंडर 5,000 हो चुकी है। और आपको अपने आसपास किसी भी डीकैथलॉन स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी बहुत इजीली। और गाइस, आप अपने नियरेस्ट किसी भी डीकैथलॉन स्टोर पे जाके इसकी टेस्ट राइड ले सकते हैं। और ये चलाने में भी बहुत स्मूथ है। हाँ, तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको अंगूठा दीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल बजाइए, घंटी बजाइए। और कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताना कि मेरे को और किस साइकिल का रिव्यू करना चाहिए। और बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय। Hi guys, this is Martin Sharma and you're watching Cycling on Fox.